जैसे ही उस कॉलर ने कहा कि वो अगले 5 मिनट में सुसाइड करने वाला है, स्टूडियो में सबको सांप सूंघ गया। पर अर्पिता रिफ्लेक्स एक्शन में फौरन बोली, अरे अरे रुको रुको भाई, पहले ये तो बताओ कि सुसाइड कर क्यों रहे हो। लड़के ने घोर निराशा से कहा, आपको इससे क्या मतलब है? वैसे भी ये सोसाइटी मुझे कभी नहीं समझ पाई है और कभी समझ भी नहीं पाएगी। अर्पिता ने दुनिया जहान का प्यार अपनी आवाज में उड़ेल कर उसको कहा, बात तो भाई तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, ये सोसाइटी हमें समझती नहीं है। पर यार एक बात बताओ, तुम्हें आज ही क्यों मरना है? लड़के ने तुनक कर बोला। आज ही क्यों मरना है का मतलब, थक गया हूं जिंदगी से मैं और अब किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। उसको यूं बिगड़ता देखकर अर्पिता ने झट से बात संभाली, हाँ हाँ तो भाई मत करो एक्सप्लेन, मैं तो बस इतना कह रही हूँ, देखो आज मरने की कोई खास जल्दी नहीं हो तो मरना 2 दिन डिले कर दो और मरने से पहले मेरा एक काम निपटा दो यार। देखो दुनिया तुम्हारे काम नहीं आई, पर तुम तो किसी के काम आ जाओ ना, बाबा जी की कसम बड़ी खुशी मिलेगी तुमको। अर्पिता ने उसको समझाते हुए कहा। लड़का अपनी जिद में बोला, पर मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बस मरना चाहता हूँ। तो भाई मैं तुमको मरने से रोक थोड़ी रही हूँ, पर इतना दुखी होकर मरने से तो खुशी खुशी मरना ज्यादा अच्छा है ना। तुम मेरा एक काम कर दो बस, फिर जो करना है ना कर लेना। दूसरी तरफ चुप्पी छा गई तो अर्पिता फिर बोली, अरे यकीन करो तुमको पता नहीं है, किसी का भला करके मरोगे तो मरने में बड़ी फील गुड फीलिंग आएगी, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, तुम ट्राई तो करो यार, मर तो 2 दिन बाद भी सकते हो। लड़का कुछ कंफ्यूज आवाज में बोला, आपको मरने का एक्सपीरियंस है, अजीब बात है, खैर छोड़िए, क्या काम है आपका? अर्पिता उसको समझाने लगी, देखो मैं तुमको ना एक एड्रेस भेजूंगी, अभी वहां पर ना एक बहुत बूढ़े अंकल आंटी रहते हैं, वो भी अकेले, उनका महा निकम्मा बेटा उनको छोड़कर विदेश जाकर बस गया है, अब आंटी जी के घर में फिसल कर पैर की हड्डी भी टूट गई है, उनको कोई खाना और दवाई देने वाला भी नहीं है, तुम 2-3 दिन यार उनको खाना और दवाई अरेंज कर दो, उसके बाद कर लेना मरने का प्रोग्राम। नोट तो है अंकल जी के पास, पर बाजार से दवाइयां और जरूरी सामान लाकर देने वाला कोई नहीं है, बाबा जी की कसम बड़ी ठंड पड़ जानी है कलेजे में तुम्हारी ये करके। आप खुद क्यों नहीं कर लेती हो फिर ये काम? लड़की ने पूछा। मैं बिल्कुल कर लेती, पर यार तुमको पता नहीं है। हाँ पर तुमको पता भी कैसे होगा भाई, मैं ना जब छोटी बच्ची थी तब ना मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, मोहल्ले के लड़कों के साथ बड़ा गली क्रिकेट खेला है मैंने, और हुआ क्या ना इस चक्कर में मेरे से इन अंकल जी के घर के बहुत सारे कांच टूटे हैं, फिर उसके बाद भी कुछ ना कुछ स्यापा होता ही रहा है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे से उनकी गाड़ी ठुक गई, उससे पहले उनका डॉगी दिवाली पर मेरे चलाए पटाखों से बिचल गया, तो बेसिकली बात यह है ना कि अंकल तो मुझे देखते ही भड़क जाते, पर आई रियली केयर फॉर देम यार, मुझे उनकी मदद करनी है, अब मैं खुद नहीं जा सकती तो तू कर दे मेरे बिहाफ पर यार प्लीज, मरना कौन सा कहीं भागा जा रहा है, कुछ दिन बाद मर जाना, बाबा जी की कसम तुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब कोई हमारे काम नहीं आता ना तो कितना दुख होता है ये तो तुम पहले ही समझते हो। अर्पिता ने उसको इतना इंसिस्ट किया कि लड़का भी बोल उठा, ठीक है आप एड्रेस भेज दो, देखता हूँ मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। अर्पिता खुश होते हुए बोली, ये हुई ना बात, मैं तुमको एड्रेस भेजती हूँ, तुम मिलकर आओ फिर कल शो में कॉल करके बताना कैसा लगा। ठीक है भेज दो। लड़के ने ये कहकर कॉल रख दिया। कॉल कट करते ही स्टूडियो में सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। आलोक ने हैरान होते हुए पूछा, किसका एड्रेस भेजने वाली हो इसको? तब अर्पिता ने उससे कहा, मैंने कल सुबह ही अखबार में एक एड देखा था, उसमें एक वृद्ध दंपति को एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है जो उनके घर में ग्रोसरी और बाकी दवाइयों का सामान रेगुलर पकड़ा सके, तो बस
वहीं का एड्रेस इसको दे दूंगी। मुझे पक्का पता है जब ये ऐसे काम करने शुरू करेगा तो कुछ तो मन बदलेगा ही इसका। उधर बिल्डिंग के नीचे ऋत्विक जो अपनी कार में बैठा सब सुन रहा था, अब मुस्कुरा रहा था। वो बोला, ये लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं है, थोड़ा ओवर स्मार्ट समझती है खुद को, बट सिचुएशन मैनेज कर लेती है। ऋत्विक ने फोन निकालकर अपनी सेक्रेटरी को ऑफिस में कॉल किया और बोला, हेलो शिफाली, हायर दिस अर्पिता, उससे सैलरी और बाकी पर्क्स की बातें भी कर लेना। कहकर ऋत्विक ने फोन कट कर दिया। वहां स्टूडियो का नजारा भी अब बदल गया था। सब अर्पिता को इस सक्सेसफुल कॉल के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और बहुत अप्रिशिएट भी। कॉल्स पर कॉल्स बज रहे थे, तभी ऋत्विक की सेक्रेटरी शेफाली ने आकर अर्पिता से कहा कि उसको ऋत्विक सर ने जॉब ऑफर कर दी है। उसकी बात सुनकर अर्पिता मुस्कुरा दी, पर कुछ बोलती इससे पहले ही स्टूडियो का दरवाजा खुला और एक बहुत ही हैंडसम आदमी अंदर आया। उसकी शक्ल ऋत्विक से काफी मिलती थी। उसने अंदर घुसते ही अर्पिता को कहा, यानी कि हम गलत नहीं थे मिस अर्पिता सक्सेना। वाकई चांद पर कॉफी पीने लायक काबिलियत रखती हो, हैट्स ऑफ। उसने थोड़ा सा सिर झुकाकर, दिल पर हाथ रखकर बहुत अदा से कहा। अर्पिता उस बंदे की आवाज सुनते ही चौंक गई। ये वही आवाज थी जिसने उससे परसों रात को बात की थी। अर्पिता के चेहरे पर आए कंफ्यूजन के एक्सप्रेशंस देखकर वो लड़का फिर से बोला, इस नाचीज को कंपनी वाले अपना एमडी बुलाते हैं, पर बंदे का असली शौक तो शायरी है और हसीनाओं का खास मुरीद है। बस इतना सा परिचय है, नाम तो सुना ही होगा आपने, राज सिंघानिया। उसने फिर वही फिल्मी अदा से कहा। इस बार अर्पिता मुस्कुराती और बोली, तो आप हैं राज सिंघानिया, कॉफी पर खुद बुलाते हैं और भेज किसी और को देते हैं मिलने के लिए। उसके ये कहते ही राज एकदम से बोला, माय सिंसियर अपॉलॉजी, दरअसल मैं ही आने वाला था पर एंड टाइम पर मुझे बहुत जरूरी काम आन पड़ा और तुम्हारे जैसा नगीना मैं खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने भाई को कन्विंस किया कि वो तुमसे मिल ले आकर और चैनल के लिए तुम्हें हायर कर ले। अर्पिता हैरान होते हुए बोली, मतलब ऋत्विक जी और आप भाई हैं? राज अपने विटी अंदाज में एकदम बोला, शुद्ध खालिस जन्म जन्मांतर वाले सगे भाई, हम दोनों मिलकर रेडियो मस्ती चलाते हैं। आई नो तुम उससे मिलकर थोड़ा सरप्राइज हुई होगी, थोड़ा सा सख्त है पर दिल का हीरा है और हीरो का पारखी भी। अर्पिता ने मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं दिल का अच्छा है या क्या है, पर मुझे तो लगता है सीने में दिल की बजाय पत्थर रखवा कर आया है तुम्हारा भाई। जब बात करता है ना तब भी तड़ातड़ पत्थर झड़ते हैं मुंह से। अर्पिता के ये कहते ही राज जोर से हंस दिया। फिर आगे बढ़कर उचक कर टेबल पर बैठा और आलोक को कहा, यार मुबारक हो, बहुत बढ़िया असिस्टेंट मिल गई है तुमको, तो शानदार रहेगा तुम लोगों का शो। राज की बात पर आलोक भी मुस्कुरा दिया। सारे आरजे अब स्टूडियो से बाहर आ चुके थे। वहां पर अब सिर्फ आलोक, राज और अर्पिता ही थे। राज ने फिर अर्पिता की तरफ देखकर कहा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर मैडम, भाई बहुत काबिल है, बस उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। खैर मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली अब तुम यहां पर काम कर रही हो और अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है, शाहरुख की तरह मैं भी डायलॉग मार ही देता हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी? राज ने फ्लर्ट करते हुए कहा तो अर्पिता जोर से हंस दी और बोली, शाहरुख का डायलॉग नहीं है ये, ऋतिक रोशन की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे का डायलॉग है, हालांकि इसमें कैरेक्टर का नाम राज ही था। राज हैरान होते हुए बोलता है, कमाल है तुम्हें तो बड़ी डिटेल में सब कुछ याद है। अर्पिता भी चहकते हुए बताने लगी, हाँ तो और क्या, तुम्हें पता नहीं है, बाबा जी की कसम मुझे तो ऋतिक रोशन की सारी फिल्मों के सीन रटे पड़े हैं।
एक वो ऋतिक रोशन है, इतना चार्मिंग, और एक तुम्हारा भाई एकदम खड़ूस। इतना कहकर अर्पिता फिर आसमान की तरफ देखकर बोली, हद है पापा जी, ऋत्विक से मिलाया भी तो कौन सा वर्जन। राज हंसता हुआ फिर बोला, बाबा जी कौन है भाई? अर्पिता ने झट से बड़े गर्व से जवाब दिया, अरे हमारे बनारसियों के तो एक ही बाबा जी हैं, बाबा विश्वनाथ। वाह वाह, भोलेनाथ की कृपा सदा बरसे। राज ने भी हाथ जोड़कर आसमान की तरफ हंसकर देखते हुए कहा। इतने में आलोक ने टोका, कॉल आ रहे हैं अर्पिता, आप कॉल अटेंड कीजिए। Share your secrets with Koel Malhotra. उस लड़के की कॉल के बाद एक गाना प्ले हो चुका था और नेक्स्ट कॉल लेने का टाइम था। अर्पिता भी अब फुली चार्ज थी। अर्पिता ने मुस्कुरा करके हाँ कहा और नेक्स्ट कॉल लिया। Share your secrets with Koel Malhotra. इस बार भी एक लड़के का ही कॉल था। लड़के ने उधर से कहा, हेलो कोयल जी, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी अजीब है, शायद आपको फनी लगे। लाइफ ही फनी है बॉस, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अर्पिता ने पूछा तो लड़का कहता है, माय गर्लफ्रेंड स्टिंक्स, मतलब उसके मुंह से बदबू आती है, मैं जब भी उसको किस करने लगता हूँ उस बदबू से मेरा माइंड कम्प्लीटली ऑफ बैलेंस हो जाता है, फिर उसको लगता है कि मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ और वो टब भर भर के आंसू बहाने लगती है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। देखो यार, तुम ना एक काम करो, गर्लफ्रेंड का मुंह तो चेंज कर नहीं सकते हो, तो गर्लफ्रेंड चेंज कर लो, अर्पिता ने कहा। लड़का झट से बोला, ऐसे कैसे चेंज कर दूं कोयल जी, आई लव हर वेरी मच। तब अर्पिता पूछती है, तुमने उसको बताया कि उसके मुंह से बदबू आती है? वो बोला, अरे कोयल जी, मैं उसको ये बोलकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, और फिर वो ऐसी है ना कि पहले तो मानेगी नहीं कि उसके मुंह से बदबू आती है, दूसरा अगर मान भी गई तो कहेगी मेरा उससे मन भर गया है, इसलिए मैं उसमें नुक्स निकाल रहा हूँ। ये लड़कियों को समझना ना सीरियसली बड़ा टफ काम है, लड़के ने बड़ी उलझन भरी आवाज में कहा। अर्पिता ने झट से बोला, अरे भाई इतना भी मुश्किल नहीं है, देख मैं तेरे को ना एक मस्त सोल्यूशन बताती हूँ। ऐसा कर, रोज अटरम शटरम खाने लग जा, इतना कि तेरा पेट खराब हो जाए, यानी गैस एसिडिटी टाइप। खूब सारा प्याज भी खा और अजीब अजीब चाइनीज सॉसेस वाला खाना भी खा ले, ताकि तेरे मुंह से भी बदबू आने लगे और फिर उसको किस कर बढ़िया सी। लड़का बेहद हैरानी से बोलता है, अरे क्या अजीब सी बात कर रही है आप, यहाँ कोई बदबू टू बदबू लव सीन थोड़ी डिजाइन करना है। अर्पिता ने उसे फिर से कहा, अरे तो तुम उसको बोल भी तो नहीं पा रहे हो ना कि उसमें से बदबू आ रही है, अब जब तुम्हारी में से भी बदबू आएगी तो उसको भी अजीब लगने लगेगा, और जब वो टोकेगी तब बोल देना, जानू तुमसे इतना प्यार है कि तुमसे आती ये अलग स्मेल मैंने खुद में भी बसा ली है, तो उसे खुद ही रियलाइज हो जाएगा दैट शी स्टिंक्स। स्टूडियो के बाहर ऑफिस में बैठे जो भी लोग शो सुन रहे थे, सब लोग अर्पिता के ऊटपटांग सॉल्यूशंस पर हंस रहे थे, और राज तो अंदर ही अंदर हंस हंस के दोहरा हुआ जा रहा था, पर वो कॉलर लड़का कन्विंस होकर खुश हो गया। कॉल रखने से पहले अर्पिता को बड़ा थैंक यू भी बोला उसने। सप्ताह का पहला दिन रेडियो मस्ती के ऑफिस में बढ़िया ही गया। शो का टाइम खत्म होने तक राज भी स्टूडियो से जा चुका था। बाद में आलोक ने अर्पिता को बताया कि इस रेडियो चैनल को ऋत्विक और राज मिलकर चलाते हैं। ऋत्विक जहां सख्त और टू द पॉइंट बातें करने वाला है, वहीं राज बहुत हसमुख और जिंदा दिल है। दोनों भाइयों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क है, पर काबिलियत दोनों की शानदार है। अर्पिता शो खत्म करके जब स्टूडियो से बाहर निकली तो ऋत्विक ऑफिस वापस आ चुका था। वो अपने कैबिन के बाहर खड़ा था और अर्पिता को देखकर उसने बहुत सपाट लहजे में कहा, गुड जॉब मिस अर्पिता, मेक श्योर कि आपका परफॉर्मेंस आगे भी ऐसा ही रहे। इतना बोलकर वो अपने कैबिन के अंदर चला गया और अर्पिता फिर से ऊपर देखकर बुदबुदाने लगी, पापा जी ये किस रावण की लंका में ले आए हो आप मुझे,
रक्षा करना मेरी। ऋत्विक की सेक्रेटरी शेफाली ने उसको जॉब की सारी कंडीशन समझा दी। अर्पिता खुश थी कि फाइनली उसे अपने मन का काम मिल गया है। ऑफिस से निकलते हुए अर्पिता सोच रही थी, गौरव को क्या कहूंगी? क्या गौरव इस तरह रैंडम अननोन कॉलर्स को अटेंड करने जैसी जॉब अप्रूव करेगा? पापा जी, ये सरप्राइज सुन के गौरव शॉक ना हो जाए कहीं। हाँ, अरे आज तो वो भी कुछ सरप्राइज देने वाला था ना, पता नहीं क्या होगा। यही सोचते सोचते घर आ गया। घर पहुंची तो गौरव आज भी उससे पहले आया हुआ था। फ्लैट में एंट्री करते ही उसने फिर वही सवाल किया, ये तुम रोज रोज आजकल जा कहां रही हो? कल भी नहीं थी घर में और आज भी नहीं। अर्पिता ने सफाई दी, गौरव कहा तो था तुमसे कि घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, दम घुटता है मेरा, इसलिए निकल जाती हूँ कहीं भी। हाँ पता है मुझे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब की बात की है। गौरव ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे लिए जॉब की बात? अर्पिता ने बहुत हैरान होते हुए पूछा। गौरव ने कहा, तुम चाहती थी ना कि तुम कोई जॉब करो, तो मैंने अपनी ही बिल्डिंग के एक ऑफिस में तुम्हारे लिए जॉब की बात कर ली है। कल एक छोटा सा इंटरव्यू तुम्हें देना है, उसके बाद तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी। अर्पिता आंखें फाड़ कर गौरव को देखने लगी और फिर हताशा से आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाई, बढ़िया है बाबा जी, ऐसा करो अपने नंदी बैल की घंटी हमारे गले में बांध दियो तुम। एक टंटा सुलटता नहीं तुम दूसरा बखेड़ा जान को खड़ा कर देते हो। उसको बुड़बुड़ाते देख गौरव ने पूछा, ये क्या तुम हर वक्त अपने आप से बात करती रहती हो? अर्पिता झट से बोली, नहीं मैं तो कुछ सोच रही थी कि ऐसे कैसे तुम्हारी बिल्डिंग में नौकरी मिल रही है। गौरव बोलता है, एक वैकेंसी पता चली है तो मैंने स्पेशली जाकर तुम्हारे लिए बात की है, वो लोग जानते हैं मुझे तो तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस पर इंटरव्यू लेने को मान गए हैं। क्यों, मेरी बिल्डिंग में नौकरी करने से कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? गौरव ने चिढ़कर पूछा। अर्पिता ने डिफेंसिव टोन में एकदम कहा, अरे नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं मैं कितनी एक्साइटेड हूँ ये सुनकर। ठीक है, कल चलती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी बिल्डिंग में, अर्पिता ने खुश होने की एक्टिंग करते हुए कहा। तुम्हारे भी हंसने रोने समझ नहीं आते हैं, कहते हुए गौरव अपने कमरे में चला गया। और अर्पिता फिर एक बार बड़बड़ाई, सीरियसली बाबा जी, आई मीन रियली, क्यों मेरी लंका लगा रहे हो आप? आज ही तो मुझे मेरे मन की नौकरी मिली है, वो भी इतनी मुश्किल से, वरना तो वहां भी फजीहत हो गई थी अच्छी खासी, अब ये क्या नया ड्रामा मेरी जान को लगा दिया। समझ ही नहीं आ रहा है गौरव को भी कैसे मना करूं, उसने पहली बार मेरे लिए कुछ एफर्ट किया है, अब क्या करूंगी कल, कौन सी नौकरी करूंगी और कौन सी नहीं, एक तो इस गौरव का भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। बाबा जी क्या ही एंटीक पीस दिया है तुमने, कभी तो लगता है कि बहुत केयर करता है और कभी जरा सी बात पर ही उखड़ जाता है। सही में जिंदगी झंडू बाम हुई जा रही है, अब मनपसंद नौकरी मिल गई है तो तुमने ये दूसरी नौकरी की रामायण बांच दी। तुम ही बता दो अब बाबा जी कौन सी करूं और कौन सी छोड़ू, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दिमाग में पटाखे फूटे जा रहे हैं मेरे तो। इस नौकरी के सारे कंफ्यूजन में अब अर्पिता भी बौखलाहट से भर गई थी कि कल आखिर वो कौन सी नौकरी को हाँ कहेगी।